वेलकम टू ऑफलाइन ब्यूटी बीट्स। आज हम आपको पपीते का फेशियल करने का एक पूरा बताएंगे फेशियल किट। उसमें हम आपको क्लिंजिंग स्क्रब, मसाज जेल, मसाज क्रीम और फेस पैक सब बताएंगे। हम पपीते, पके हुए पपीते का प्यूरी बना कर रखे हैं, उसी से हम आपको सब कुछ बताएंगे। आप देखिए, ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है। ये फेशियल जिसके चेहरे पर सन टैन हो जाते हैं, चेहरे पे दाग धब्बे, आजकल पिंपल्स के दाग धब्बे जो हो जाते हैं, उसके साथ साथ वो चेहरा को गोरा बनाता है, स्किन को शाइनी और ग्लॉसी बनाता है। क्योंकि अक्सर हमारे फेस पर समय के साथ साथ कालापन आ जाता है, आजकल बहुत धूल मिट्टी की वजह से कालापन आ जाता है, आजकल पॉल्यूशन ये सब की वजह से जो हमारे होंठों के आसपास और फॉरहेड पर कालापन जो आ जाता है, स्किन इवन टोन नहीं होती तो आपकी स्किन को इवन टोन करेगा। और यह फेशियल हमारे चेहरे को लाइटन करेगा। यह विदाउट केमिकल फेशियल किट तैयार कर रहे हैं घर पर बहुत ही आसान तरीके से। चेहरे का दाग धब्बा हटाता है, दूध जैसा गोरा बनाता है। हम जो बता रहे हैं 5 मिनट के लिए, हम सब कुछ 5-5 मिनट के लिए करेंगे। क्लिंजिंग स्क्रब, मसाज जेल, मसाज और फेस पैक सब कुछ। फेस पैक सिर्फ 10 मिनट रखेंगे, बाकी सब कुछ 5 मिनट के लिए करेंगे। हम 5 मिनट जेंटली फिंगर टिप से मसाज करते रहेंगे, उसके बाद हम सब 5 मिनट के लिए करेंगे। और इससे क्या होगा कि जब हम मसाज करेंगे 5-5 मिनट के लिए, जितना भी पपाया पल्प है, पपाया फ्रूट पल्प होगा, वो स्किन ऑब्जर्व कर लेगी। साथ ही जितना भी डिस्कलरेशन सन टैन होगा सब रिमूव होगा। इसको हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जब भी आपको समय मिले आप इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही असरदार फेशियल है, आप इसको करते रहिए और हमको कमेंट बॉक्स पर बताइए कि हमारा ये फेशियल आपको कैसा लगा। हमको पपाया फेशियल किट बनाने के लिए हमको जो चीज़ें चाहिए, देखिए, सबसे पहले पपाया पल्प है। हमने पके हुए पपीते ले लिए, उसको हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया और एक स्मूथ पेस्ट बना लिया, ये देखिए ऐसा। उसके बाद हम एक बाउल में दूध पाउडर लिए हैं, थोड़ा ये थोड़ा सा चीनी लिए है, ये राइस फ्लोर है चावल का आटा, ये बेसन है व्हीट फ्लोर, और ये हम गुलाब जल लिए रोज़ वाटर, ये देखिए डाबर गुलाब जल। ये हमने जैतून का तेल लिया, ऑलिव ऑयल, ये एलोवेरा, होममेड एलोवेरा जेल है, हमने अपने चैनल पे आपको बताया था, आप देखिएगा। ये शहद है, हनी है, डाबर का हनी है, ये लिए हैं हमने, इतनी चीज़ें ली हैं। इससे हम आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही असरदार फेशियल किट, घर पे कैसे फेशियल 5-5 मिनट का करते हैं हम आपको बताएंगे, तो आप हमारा वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले हम इसमें बनाने के लिए क्लिंजिंग बनाएंगे। हम सबसे पहले फेशियल स्टेप में सबसे पहले क्लिंजिंग करते हैं, तो हम सबसे पहले क्लिंजिंग बनाएंगे। ये देखिए, हम 1 टेबल स्पून पपीता पल्प लेंगे, और 1 टेबल स्पून दूध पाउडर लेंगे। अब हम इसको एकदम अच्छे से मिक्स करेंगे, ये देखिए बहुत अच्छे से, एक भी लम्स नहीं होना चाहिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा क्लिंजिंग तैयार हो गया, ये देखिए। उसके बाद हम 1 टेबल स्पून इसको आप चेहरे पे करेंगे, मैं अपने हैंड पे बता रही हूँ, ऐसे मसाज करेंगे अपने फिंगर टिप से 5 मिनट के लिए, एकदम अच्छे से मसाज करेंगे, फेशियल वाले स्टेप से करेंगे। फाइव मिनट्स के लिए ऐसे मसाज कर लेंगे अच्छे तरीके से, फिर इसको हम
वाटर से धो लेंगे या कॉटन से साफ कर लेंगे। ये देखिए करने के बाद हमने इस वाले हैंड में किया था, हमारे स्किन में कितना डिफरेंस दिख रहा, सिर्फ क्लिंजिंग करने से ही कितना असर दिख रहा। देखिए ये कितना लाइटन हो गया, ये डार्क दिख रहा है, ये देखिए ऐसा। आप अपने चेहरे पे 5 मिनट्स के लिए फिंगर टिप से एकदम अच्छे से पूरा पपाया पल्प को एब्जॉर्ब कराएंगे। सेकंड हम स्क्रब बनाना बता रहे हैं, उसके लिए हम पपाया पल्प लिए हैं, शुगर लिए हैं और ये राइस फ्लोर चावल का आटा है। ये देखिए हम 1 टेबल स्पून पपाया पल्प लेंगे, उसके बाद हमने 1 टेबल स्पून शुगर लिया है, ये पूरा शुगर हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए ऐसा, आप देखें अक्सर स्क्रब में दाना होता है तो शुगर हम उसी के लिए डाले हैं, वो हमारी स्किन के डेड सेल्स को निकालेगा और हमारा स्किन बहुत ही लाइटन और ग्लॉसी हो जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। और हमने 1 टेबल स्पून राइस फ्लोर डाल दिया, अब हम इसको एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ऐसा बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये मिक्स होकर ऐसा हो जाएगा, ये देखिए। अब हम इसको आपको अप्लाई करके दिखाते हैं। हम थोड़ा सा लेंगे, आप फेस पर लगाइए और इसको एकदम अच्छे से स्क्रब करिए 5 मिनट 3 फिंगर से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आप ऐसे मसाज करिए 5 मिनट्स के लिए। ये देखिए आप चेहरे पे अपना जैसा स्क्रब करते हैं 3 फिंगर से और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके अपने फेस पे भी आसानी से कर सकते हैं ऐसा। ये देखिए अब हमारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए स्क्रब करने से सारे ब्लैक हेड्स चेहरे के निकल जाएंगे और स्किन एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए ऐसा। अब हम मसाज जेल बनाएंगे, 3rd स्टेप मसाज जेल, इससे भी 5 मिनट हम मसाज करेंगे। हम 1 टेबल स्पून पपाया लेंगे, 1 टी स्पून एलोवेरा जेल लेंगे। ये देखिए अब हम इसको भी एकदम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ऐसा, और इसको भी हम अपने फेस पर 5 मिनट फिंगर टिप से मसाज कर लेंगे एकदम अच्छे से। ऐसा मसाज करेंगे कि ये पपाया जो है वो स्किन ऑब्जर्व कर ले। जब पपाया स्किन ऑब्जर्व कर लेगा तो आपका स्किन हाइड्रेट हो जाएगा, इससे बहुत ही ग्लो, बहुत ही ग्लॉसी और बहुत ही सॉफ्ट स्किन हो जाएगी। ये देखिए हम अब आपको मसाज क्रीम बनाने बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम 4th स्टेप में सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून पपाया पल्प लेंगे, उसके बाद हम डाबर हनी लेंगे 1 टेबल स्पून। ये देखिए इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून रोज़ वाटर, रोज़ वाटर थोड़ा ही लेना, 1/2 टीस्पून लेंगे एकदम ज़रा सा। 1 टी स्पून ऑलिव ऑयल, ये देखिए 1/2 टीस्पून। टी स्पून एलोवेरा जेल, ये होममेड एलोवेरा जेल है, हमने अपने वीडियो में आपको पिछले वीडियो में बताया था। ये देखिए इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाकर इसको जैसा हम फेशियल में मसाज करते हैं स्टेप बाय स्टेप इससे कर लेंगे 5 मिनट या 10 मिनट, जितना देर आपको करना आप कर सकते हैं। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आप ऑलिव ऑयल को इग्नोर करिए, बाकी सब डालिए, बाकी सब आपके लिए फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप नारियल तेल भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी आपके लिए स्किन के लिए अच्छा है। और ये फेशियल ठंडी में बहुत ही अच्छा है, ये आपके फेस को एकदम स्मूथ बना देगा, एकदम रफ नहीं रहेगा आपका चेहरा, बहुत ही क्लियर और बहुत ही अच्छा रहेगा। ये मसाज क्रीम रेडी हो गया है, इसको हम करके बताते हैं। थोड़ा लेकर ऐसे फिंगर टिप से मसाज करेंगे
जैसा फेशियल में स्टेप रहता है वैसा भी आप कर सकते हैं। अपने से तो अच्छे से बनता नहीं है, पर आप ऐसे रोटेट करके फिंगर टिप से कर सकते हैं। ये देखिए ऐसा, ये पूरा अब इसके अंदर ऐसा ऑब्जर्व होना चाहिए ऐसा। पपाया में पपिन होता है जो डेड सेल को हटाता है, फाइन लाइन रिंकल को हटाता है, स्किन को सॉफ्ट एंड ब्राइट बनाता है। हर तरह के स्किन के लिए ये फेशियल एकदम बेस्ट है। ये देखिए बस, फिर इसको अब नहीं करेंगे हम, इसी के ऊपर फेस पैक बनाकर इसी के ऊपर लगाएंगे अपने फेस पर। अब इसको वॉश नहीं करना है, मसाज क्रीम को इसी के ऊपर फेस पैक लगाना है, 10 मिनट रखना है, उसके बाद चेहरा धो लें, उसके बाद आप अपनी फेवरेट क्रीम लगा सकते हैं। अब हम फेस पैक बनाएंगे। देखिए हम 1 टेबल स्पून पपाया पल्प लेंगे, 1 टेबल स्पून बेसन लेंगे और हम इसमें 1 टेबल स्पून रोज़ वाटर मिलाएंगे। ये देखिए बस, इसके बाद हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारा कितना अच्छा फेस पैक बन के तैयार हो गया। अब हम जो मसाज किए थे हैंड में उसी के ऊपर इसको अप्लाई कर देंगे अच्छे तरीके से। आप अपने फेस पर करें, करके इसको 10-15 मिनट सुखा लें। ये देखिए 5 स्टेप वाली आपकी फेशियल किट तैयार है। क्लिंजिंग स्क्रब, मसाज जेल, मसाज क्रीम और फेस पैक, ये बनाकर आप करिए, अपना फेशियल करिए और हमको कमेंट बॉक्स पर बताइए आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये फेशियल। अगर हमको हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।